मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि आई एम नॉट, थोड़ा मैं हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ। श्योर कोई तो मेन बात है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है जी, हमारी ये गवर्नमेंट कहती है कि रंजीत चावला जब पहली बार ट्रैवल किया था तो 49 रुपीज़ में दिल्ली से चंडीगढ़ में ट्रैवल किया था, 49 रुपीज़ में। दैट इज़ ये कब की बात है आप बता रहे हैं? इट इज़ अबाउट 30 ईयर्स बैक। तब तो आई थिंक 30 ईयर्स बैक 49 रुपीज़ काफ़ी होते थे लोगों के लिए। 49। लेकिन अब क्या है जो ये अभी जो ये जो नई इंटरनेशनल लाइंस आती हैं जी, जिनसे ये चार्टर्ड प्लेन लेके आते हैं जी, कनाडा से आता है, US से आता है, यूरोप से आता है, वो कॉस्टिंग करते हैं 700 रुपीज़ पर आवर, द रनिंग कॉस्ट फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, 700 रुपीज़ पर आवर। और हमारा जो है जब हम प्लेन ख़रीद रहे हैं, मैं इंडिगो का क्यों फेल हुआ जी, ये क्यों फेल हुए, ये इसलिए फेल हुए कि इन्होंने एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं की। आई नो ऑल द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, आई नो गोयल, एवरीबॉडी पर्सनली, बिकॉज अभी जो फ्लाइंग क्लब बंद हुआ उसमें सिर्फ मैं अकेला ही आदमी था और मैं अजय जी थे जिन्होंने उसके हायरार्की के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। लेकिन आप जो है, अगर आपकी कॉस्ट जो है कंपटीशन में 700 रुपये पर आवर के आती है, आप वहाँ चले जाओ, रोमानिया चले जाओ, बल्गारिया चले जाओ, प्लेन ऐसे हैं कि आपको स्क्रैप में मिल जाएंगे। यू डोंट आपको $1500 का या $5000 का पर रनिंग कॉस्ट का आदमी नहीं चाहिए। आप एरोफ्लोट को लो, हाँ, एरोफ्लोट में प्लेन ऐसे भर के ले जाते हैं जब रशिया मोमेंट में, जैसे भेड़ बकरियाँ भर के ले जाते थे, बट दे मेंटेन द कॉस्ट ऑफ 700 रुपीज़ पर आवर फॉर द प्लेन। अगर जब तक हमारे ये सब बकवास हैं, ये कॉन्सेप्ट सारे बकवास हैं, जब तक हम ऐसी इकोनॉमी नहीं लाएंगे जी जिसमें, नहीं तो भाई 700 रुपीज़ पर आवर, 700 रुपीज़ पर आवर तो मेरी ऑडी पे जाता है, बिल्कुल राइट और ज़्यादा ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। मैं जो है उसमें चला जाऊँगा, सो के चला जाऊँगा फर्स्ट क्लास AC में, राइट श्योर, ठीक है। लेकिन अब आपका ये जो मैं आपको जवाब देता हूँ, जो ये प्राइवेट एयरलाइंस कर रहे हैं जी, आई एम द स्पॉन्सर ऑफ एयर इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और मैं अभी आई शुड नॉट से आई एम द फर्स्ट गोल्ड कार्ड ऑर्डर ऑफ द एयर इंडिया। लेकिन उसमें ये है कि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि भाई मेरे, अब आप हैं जी झांसी में, अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना, ठीक है, आई ट्राई टू मेक एयरपोर्ट एट झांसी, लेकिन कई प्रॉब्लम नहीं। अभी बिलासपुर में आई वॉज रनिंग एयरपोर्ट, वो कहते हैं मिलिट्री एयरपोर्ट है, ठीक है, वो बंद कर दिया। लेकिन जब आप डबल स्टैंडर्ड से गुजर, जो रनिंग एयरपोर्ट हैं उनको आप बंद कर रहे हैं, उसकी जगह आप नए प्लेन, इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो ने आज तक जो 5 साल में जो एयरपोर्ट जो प्लेन खरीदे जाने थे उनकी एडवांस बुकिंग कर दी, आपने समझा। सो अब इंडिगो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट रनिंग दी, हालांकि इंडिगो वाज द बेस्ट एयरलाइन एट द इनिशियल स्टेज फॉर द टाइम, नॉट इज द फर्स्ट। अभी विट्रा है, विटारा है, विस्तारा है, और आपका ये है। लेकिन एक चीज़ समझ के चलिए, जब तक हम एक कॉमन मैन का फैक्ट नहीं समझेंगे जी, तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। आई अप्रिशिएट मिस्टर मोदी कि वो कॉमन मैन का फैक्ट समझते हैं, लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट है वो तो देव, हमारा जो सर समस्या, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से समस्या जो है ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं है। सरकारी नीतियां तो कई सारी आ जाती हैं, आप ब्यूरोक्रेसी से कई सारी चीज़ें रुकती हैं। आई अप्रिशिएट, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, आई अप्रिशिएट केजरीवाल जिसने ब्यूरोक्रेट को बैठक लगवा दी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो हुआ वो सबको उसको पता है। उसका मैं आपको, आई एम नॉट, आज की डेट में जितने स्कूल हैं जी, 1 लाख डेस्क मेरे जो हैं स्कूलों में गए हैं, जो पहले गवर्नमेंट 3000 में खरीदती थी, मेरा डेस्क 6000 में गया, बट ही हैज़ ब्रोकन दी ब्यूरोक्रेसी कि भाई साहब मुझे ये डेस्क नहीं चाहिए, आप जाके दिल्ली के स्कूल देखो, वर्ल्ड बैंक की टीम आई है, जैसे कि वी आर नॉट सीन एनी स्कूल लाइक दैट इन दी वर्ल्ड, DPS का स्कूल जाओ, मॉडर्न स्कूल में जाओ, आप केजरीवाल के स्कूल देखो, इसमें तो बिल्कुल सुधार हुआ है, सहमत हूँ मैं आपसे। अच्छा, हेल्थ में मोहल्ला क्लिनिक,
جو ہے آئی ایم فرام ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. محلہ کلینک جو ہے آج کی ڈیٹ میں پیراسیٹامول کی ایک ٹیبلٹ 40 پیسے میں بیچارہ غریب ایک لے جاتا تھا, آج میں محلہ کلینک میں وہ 5 پیسے کی ملتی ہے. لیکن وٹ از دی پرابلم ود کیجریوال اینڈ دی سینٹرل گورنمنٹ؟ اور اس نے سب نے کیجریوال نے کیا کیا ہے, اس آدمی کو میں بزنس نہیں دوں گا ہاں جس آدمی کا جی ایس ٹی نمبر دلی میں نہیں ہوگا. میرے کو میرے گھر کا 6% جی ایس ٹی آ جائے, 8% جی ایس ٹی آئے, آئی ایم ہیپی ان دیٹ. اینڈ ٹوڈے کیجریوال دی ریچسٹ چیف منسٹر آف دی کنٹری, اس کو نہیں چاہیے پیسے مودی جی. اسی طرح آپ رومانیہ جائیے, رومانیہ میں آپ کو اسکریپ کے بھاؤ, آپ یہ بڑی بڑی پلین خریدنے کی ڈیل کر رہے ہیں, رومانیہ جائیے ہاں, سرند میں ان پلین کو دے دیجیے ہاں, ان کے انجن اپریشیٹ کر دیں گے. کوئی بھی مشین ورلڈ کی جو ہے وہ ایفیشینٹ ہمارے سردار سرند کے کر سکتے ہیں, رائٹ اور رانگ جو پریکٹیکل بات ہے. کیونکہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں دے آر سٹنگ ان ایئر کنڈیشن روم, انہوں نے رنجیت چاولہ کی طرح 10 روپے میں گھر سے نکل کے امپائر کھڑا نہیں کیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بات, ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مین بات یہ ہے کہ بیوروکریٹ کو ایک بیوروکریٹ کی جو ایک پوسٹنگ ہوتی ہے وہ 3 سے 5 سال ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیوروکریٹ چاہے جو کوئی کام نہیں کرے گا تو 3 سال وہ فائل کو گھما سکتا ہے. بالکل رائٹ ہو, کیونکہ میں کم سے کم ٹچ ووڈ گاڈ ولنگ 500-700 کروڑ کا تو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں انٹرنیشنلی نیشنل جی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ مودی جی امپلیمنٹ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے, بیکاز ہی ہیز ناٹ گیون اینی پاور ٹو ہز پولیٹیکل ایسوسیٹس. یہ جی کل کیا پرابلم ہے یار, تو دلی میں بیٹھا ہے اور آج کی ڈیٹ میں سنگل مین وائی دی راجیو گاندھی اور وٹ ایور دی پیپل نہرو فیملی فیل, وائی کانگریس فیل, دے نیور الاؤڈ ٹو اسپانسر دی اینی باڈی ان دی ایکسیپٹ. اور سب سے بیسٹ پرائم منسٹر جو میرا دوست تھا نرسمہا راؤ, لوئسٹ مینورٹی میں جس طرح نرسمہا راؤ نے یہ جو 1992 میں آئی واز دی پارٹی ٹو دیٹ 1992 میں فسٹ جو ورلڈ بینک کے جو آئی تھی وہ ایگریمنٹ نرسمہا راؤ لائے تھے, اور تب منموہن سنگھ جو تھا وہ پریزیڈنٹ تھا, اس کا نا اس کا فنانس سیکرٹری تھا. تب بھی منموہن سنگھ 1 روپیہ تنخواہ لیتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن نرسمہا راؤ نے یہ کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ رنجیت یہ جو لوگ ہیں گورے ان کا پیسہ آنے تو دو. آج یہ بتائیے کہ ہمارے کنٹری میں کتنا پیسہ آیا ہے, یہ جو ہم 26 کنٹری گھومے ہیں 27 کنٹری گھومے ہیں جی, آج کے ڈے میں ہم نے مونیٹائزیشن کیا, یعنی کہ ہماری ٹرانسفر کاسٹ آف دی منی 2000 روپے کے نوٹ کے اور 1000 روپے کے نوٹ کے منی کاسٹ کتنی ہوئی ہے, ڈو یو نو دس؟ 26 کروڑ روپیہ ہم نے ایئر انڈیا کو دیا ہے خالی 2000 کروڑ کے نوٹ اور 1000 کروڑ کے بدلنے کے لیے, دیٹ از آفیشیل ریکارڈ. یہ پختہ جانکاری, یہ پختہ جانکاری. باقی میں یہ کہتا ہوں لیکن ایک چیز ہے, ہی وانٹس ٹو ڈو تھنگ, لیکن بیوروکریسی تو وہی ہے, بیوروکریسی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہٹلر بھی ہار گیا تھا جب وہ اکیلا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو میرے حساب سے جتنی بھی فرسٹ آف آل جو بی جے پی رول اسٹیٹ ہیں اس میں تو مودی جی کی بات ٹلے گی نہیں, نہیں ٹھیک ہے. جو نان بی جے پی رول اسٹیٹ ہیں پہلے ان کے چیف منسٹر کو آپ بولو بیٹا بتا تو کیا چاہتا ہے, دین دی کنٹری کے اندر کیا امریکہ میں سارے کیا امریکہ میں ساری اسٹیٹ کیا پریزیڈنٹ کو ایگری کرتی ہیں؟ نو, نہیں کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا. لیکن جو پریزیڈنٹ کو وہی آدمی پسند ہے جو اپوزیشن کا ہے, وہ ٹیکسلا میں پہلے انویسٹمنٹ کرے گا. یہ جو چیزیں ہیں نا دس از ویری ڈیلیکیٹ ایشو. لیکن سوری ٹو سے کہ ہم لوگ سب سے راہل گاندھی نے کل ایک بات اٹھائی تھی سدن میں کہ روزگار کی بات کرتے ہیں اور بھوتل پہ یہ بات حقیقت بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ روزگار جتنی 2 کروڑ روزگار کی جو بات کی گئی تھی اس میں کچھ خاص ہوا نہیں, روزگار لوگوں کو نہیں مل رہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ راہل گاندھی نے جو بات کہی 2000 2 کروڑ روزگار انہوں نے بات کی,
वो रोज़गार कैसे हो सकते थे। मैं यानी कि मोदी जी ने गलत सोचा, मोदी जी ने सोचा था मैं 26 कंट्री गवर्न करके मतलब घूम के इनसे मैं एक कम से कम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आऊँगा कि ऑल दी इंडस्ट्री, जो मोदी जी का पहला नारा था मेड इन इंडिया, आज की डेट में मैं 4 इंडस्ट्रीज गवर्न करता हूँ मेड इन इंडिया, 1 रुपया भी किसी ने नहीं लगाया। मेरे पास जो ये मोबाइल है, ये पहला जो है मेट्रोला का, वो मेरी गाड़ी में पड़ा है, मेट्रोला का पहला मोबाइल है जो इंडिया में बना था आज से 3 महीने पहले। तो मेड ऑफ इंडिया जो अगर वो सक्सेसफुल हो जाता, वो किसने सक्सेसफुल नहीं होने दिया? ब्यूरोक्रेसी ने। अच्छा मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी ने, जब ब्यूरोक्रेसी पे कहीं ना कहीं दबाव तो होता ही है। नहीं नहीं, आप एक बात बताओ, सत्ता पक्ष का दबाव तो रहता है। मैं सत्ता पक्ष आज आज देखो, आई अप्रिशिएट केजरीवाल, उसने आई नो एसपी सिंह जो रेवेन्यू सेक्रेटरी था, जिसके अगेंस्ट में 2 लाख रुपये उसने केजरीवाल ने उसकी जेब में डाल के उसको अरेस्ट कर दिया। दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड, एसपी सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी 2 लाख रुपये उसकी जेब में डाल के अरेस्ट करा दिया, ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन उसने उसको असम्बली में बुला के एसपी सिंह को और अंशु प्रकाश को, हाँ बिकॉज ऑल आर माई फ्रेंड, पैंट उतार दी असम्बली में दोनों की, और सुप्रीम कोर्ट इज स्पॉन्सरिंग हिम कि भाई साहब आइदर यू बिकम डिक्टेटर और यू बिकम द डेमोक्रेट। आज की डेट में मोदी जी जो हैं, अगर ऐसे डेमोक्रेट, केजरीवाल तो छोटा आदमी है, आपको तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, कल भी आपके 352 वोट पड़े हैं या 325 वोट पड़े हैं, 325 तो फिर अंग्रेजों के राज में और मोदी जी के राज में क्या फ़र्क रहा, आप मुझे ये बताओ। और ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं सब एक पर्टिकुलर कास्ट लॉबी से, आप देख लेना, कास्ट और बनवाल, कास्ट और बनवाल या मिश्रा या यू से, जिनको बचपन से सिखाया गया है, उनकी जेनेटिक, दैट इज़ आई एम स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एम एस सी इन बायोलॉजी, जेनेटिक, उनके जीन्स में ही फाइल को घुमाना सिखाया गया। चलिए हम आपसे आखिरी एक सवाल करना चाहेंगे सर, आप आज के युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्योंकि आप एक खुद बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं और अभी हूँ युवा हैं, और युवाओं को कैसे प्रेरणा देंगे कि वो आगे आएं? मैं युवाओं को एक प्रेरणा दे देता हूँ कि नंबर 1, अपनी कॉन्शियस को कभी किल ना करें। जी, आज की डेट में कॉन्शियस को किल ना करें, और कभी ये जो ओशो है, यू नो ओशो, यस सर, हैं, अभी मैं परसों उसके आश्रम में गया था, उसका एक ही वो था, पाप और पुण्य में क्या फ़र्क है, जिस जो आपकी आत्मा कहती, जो आपका कॉन्शियस कहती है हैं गलत है वो पाप है, जो आपकी आत्मा कहती है वो पाप है। अगर हमारे जितने भी यंग मैन हैं ये सोचें कि मेरा जो दिल कहता है वो मैं करूँगा, मैं उसके स्टैंड पे कहूँगा, चाहे वो मेरा बाप कहे, मेरी माँ कहे, मोदी कहे, उसका कुछ भी कहे या पॉलिटिशियन कहे, अगर जिस दिन वो लॉबी, केजरीवाल क्यों जीता, ऑल दी पीपल ऑफ दी यंग जनरेशन ओवर दी 18 सेड कि ही इज द राइट मैन, राइट और नॉट? क्या आगामी चुनाव में भी ऐसा ही रहेगा जो परिदृश्य पहले रहा था? आगामी चुनाव में मेरे हिसाब से फॉर दी अनदर 2 इलेक्शंस Nobody can beat केजरीवाल। चलिए भविष्य की बात है, इस पर और चर्चा करेंगे। अब ये थे हमारे साथ रंजीत चावला जी, जो इंटरप्रेन्योर हैं और युवाओं को अपना मैसेज दे रहे हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अमित, नमस्कार।